हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरविंद त्रिपाठी एक बार फिर आप लोग के सामने आ गया हूँ। और मैंने इससे पहले अपनी जो प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको तीन स्टॉक रिकमेंड करे थे, तीनों ने बेहतरीन रन दिए हैं। मैंने PVR, फ्यूचर डेज और BPCL, ये तीनों आपको बताए थे। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बताए थे, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए बताए थे। बट अभी इस समय तीनों ही स्टॉक अच्छे खासे ओवर जिस जिस वैल्यू में मैंने आपको बताया था उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आपको फ्यूचर ट्रेड 45 के अराउंड ट्रेड उस टाइम करा था, तब मैंने आपको रिकमेंड करा था, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। सम 56 के अराउंड चल रहा है। और फिर मैंने आपको बताया था, PVR बताया था, उस समय 1050 और 1100 के अराउंड चल रहा था, और जो कि इस समय वो भी बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है और 1400 के 1500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और BPCL मैंने आपको 450 के अराउंड बताया था, वो भी इस समय बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है और बहुत अच्छे हाई लेवल्स में ट्रेड कर रहा है। इसमें 500 और 490 के अराउंड इसमें ट्रेड कर रहा है बहुत अच्छे लेवल्स में, और तीनों स्टॉक बेहतरीन रिटर्न में समय दे रहे हैं। और आज मेरा जो दो बाद में से आपको दो स्टॉक रिकमेंड करूँगा, दोनों ही बहुत बढ़िया है। और पहला स्टॉक फ्यूचर ग्रुप की कंपनी पेनी स्टॉक है, फ्यूचर कंज्यूमर जिस समय आपको 8 रुपीज़ के अराउंड मिल रहा है, इसको आप बाय कर सकते हैं विद द टाइम फ्रेम ऑफ द 6 मंथ्स, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ द 6 रुपीज़ के स्टॉप लॉस आप लगा के इसको बाय कर लीजिए। 8 रुपये के अराउंड चल रहा है, 8 रुपये 20 पैसे के अराउंड आपको मिल जाएगा इस समय प्रेजेंट रेट में जब मैं आज बना रहा हूँ। और ये इसका टारगेट मेरा रहेगा 15 रुपीज़ और 16 रुपीज़ नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जो कि टारगेट मेरा है। इवन इससे हायर भी आपको मिल सकता है, बट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 6 रुपये का। दूसरा मेरा स्टॉक होगा PSU कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पेट्रोनेट एनर्जी, बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन समय रिजल्ट दे रही है, अंडर वैल्यूड कंपनी है, वैल्यू इसका बहुत कम है। अगर आप इसके EPS से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम वैल्यू से मिलेगा आपको, और इस समय ये चल रही है 250 के अराउंड चल रहा है। आप इसको बाय करिए विद द टारगेट ऑफ द 350 और 400 के अराउंड, नेक्स्ट 1 ईयर्स में अराउंड आ जाएगा ये टारगेट। मे बी इससे जल्दी भी आ सकता है, 9 मंथ्स में भी अचीव हो सकता है। और कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। EPS के अराउंड अगर आप इस EPS से वैल्यू इस कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अंडर वैल्यूड ये शेयर पाएंगे आप, बहुत अंडर वैल्यूड है, जो कि इसका 400 की इस समय वैल्यू होनी चाहिए। मे बी 400 क्या 500 के अराउंड इसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू इसकी 500 होनी चाहिए, बट ये 500 में नहीं ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। जिस हिसाब से मार्केट मूव करा है उस हिसाब से इसने वैल्यू इतनी नहीं दी है, वैल्यू स्टॉक में मूवमेंट नहीं आया। तो मेरा ये दो स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छी वह है, आप इसको बाय करिए। और अगर आपको मेरे जो भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ अगर पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, आपके दोस्त एक बार फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तो और भी बेहतरीन स्टॉक जिसमें आपको बेहतरीन रिकम रिटर्न मिल सके। और मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेके, जिसमें आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं ऑप्शंस कॉल के थ्रू, और वो भी आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।